नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बीएसपी नेता जयप्रकाश ने नया विवाद खड़ा किया है। जाति सूचक शब्दों के जरिए जनता को डराया है। जयप्रकाश ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ब्राह्मणों और मायावती की शरण में ना जाओ वरना तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्षत्रिय समाज भी माया की शरण में आए। जय श्री राम के नारे से कांपते हैं मुस्लिम। जातियों का नाम लेकर जयप्रकाश ने डराया। माया तो भगवान बुद्ध हैं। शरण में आओ, बाबा साहब के मददगार थे जिन्ना। बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाए गए। विवादित बयानों के चलते मायावती ने उनको हटाया। जयप्रकाश ने जातियों के लिए जहर उगला। जयप्रकाश मिश्रा का विवादित बयान सुन रहे थे। अमरनाथ मिश्रा जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं। अमरनाथ जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। धन्यवाद। अमरनाथ जी, जयप्रकाश ने जिस तरीके से जातियों को लेकर जहर उगला और जिन्ना को महान नेता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो मुस्लिम भाई थर थर कांपते हैं, जयप्रकाश के इन सारे विवादों बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है और सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी तरीके के उल्टे सीधे ये सब बयान दे रहे हैं। और मायावती जी, अमरनाथ जी लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर। चक्रपाणी जी, जय प्रकाश के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इनके बयान को लेकर के जैसे कांग्रेस राहुल गांधी पे टिप्पणी इन्होंने किया, उसको लेकर के
उनके बसपा समर्थकों ने उसको संज्ञान में लिया और ये माना कि ये पार्टी के गतिविधि पार्टी विरोधी बयान है, पार्टी की धारा के विपरीत है, तो पार्टी द्रोही तो ये हो गए, जिन्ना का नाम लिए तो ये राष्ट्रद्रोही भी हो गए। तो ये निश्चित रूप से न सिर्फ पार्टी द्रोही, ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही भी है जो जिन्ना को महिमा मंडित कर रहे हैं, और जो ब्राह्मण समाज को लेकर के इस तरह की कमेंट कर रहा है, इसी का पाप है। उन्होंने अमर जी ने ठीक बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत होता है। कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि जाति और इसके नाम पे किसी भी तरीके से लोगों को न किया जाए। ये तो एक ऐसी मानसिकता है, कबीलाई मानसिकता है, जो जाति के नाम पे किसी का उत्पीड़न। आज समाज में हर व्यक्ति एक साथ बैठ रहा है, खा रहा है, वो कर रहा है, आज ब्राह्मण ब्राह्मण कब तक ये माला जाते रहेंगे? ब्राह्मण समाज ने बहुत और सभी समाज ने देश के लिए किया और सबने वो किया। इस प्रकार से नाम लेना बिल्कुल एक नफरत घोलना हुआ। और जो देखो तो जग जाहिर है, दुनिया हंस रही इन पे, उनकी पार्टी के अपने खुद नहीं हुए तो ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के कहाँ होंगे? जो व्यक्ति जिन्ना का महिमा मंडित कर रहा है, जो व्यक्ति ये कर रहा है कि इस तरह उलझू उलझू बातें कर रहा है, तो हमें लगता है ऐसे निम्न स्तर के सोच लोगों पे डिबेट करना ही बेकार है। चक्रपाणि जी, जिस तरीके से एक बड़ा बयान दिया, जयप्रकाश ने कहा कि जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो मुस्लिम थर थर कांपता है, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मानसिकता है इनकी? लक्ष्मी जी, जय श्री राम के नारे जब लगते थे और जब 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 राम की सेना जय श्री राम नारे लगाती थी तो लंका भी थर्रा जाया करता था, राक्षस थर्रा जाया करते थे। तो जो राक्षस होते हैं, जिसके अंदर आसुरी पावर है, आसुरी शक्तियां हैं, वो थर्रा जाया करती, डरती है। जो अच्छे काम करते थे, कोई भी मुसलमान हो या दलित हो, वो डरने वाली आवश्यकता है, दलित भी तो हिंदू है। चक्रपाणि जी मेरे साथ बने रहिए, आसिम वकार प्रवक्ता है AIMIM के, हमारे साथ जुड़े हैं। आसिम जी बहुत स्वागत। आसिम जी, जयप्रकाश के इस पूरे बयान को कैसे देख रहे हैं? जयप्रकाश जी ने बयान दे दिया, अब जयप्रकाश जी ने क्या सोच के दिया क्या सोच के नहीं दिया मुझे नहीं पता, वो निकाल भी दिए गए पार्टी से। लेकिन एक चीज बता दूं आपसे कि अभी वक्त है, अभी मुसलमानों की बात उन्होंने की है तो मुसलमान शरण में क्यों आ जाए, बहन जी शरण में क्यों ना आए मुसलमानों के, ठीक है ना? देखिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। बड़ा बयान उन्होंने दिया कि जय श्री राम के जब नारे लगते हैं तो मुसलमान थर थर कांपता है, क्या महसूस हुआ कभी आपको ऐसा? आप पता नहीं चक्रपाणि जी महाराज ने ये बात कही है तो हो सकता है जिस वक्त नारे लगाए हो तो ये मुसलमानों घर में बैठे हुए हों। सर चक्रपाणि जी ने नहीं कहा ये बात, उन्हीं ने कहा है। किसने कहा है? जिनको निकाला गया है, जो महान व्यक्ति थे, राहुल गांधी को विदेशी बता रहे थे, कह रहे हैं कि मुसलमान इतना डरा हुआ है कि जब जय श्री राम के नारे लगते हैं तो थर थर कांपने लगता है। तो मैं कह रहा हूँ चलिए उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि उनको कैसे पता, क्या वो मुसलमानों घर में बैठे रहते थे जब नारे लगते थे? सर वही तो कह रहे हैं, जयप्रकाश का ही तो ये बयान है, वो कह रहे हैं कि मुसलमान मायावती की शरण में आ जाएं, जय श्री राम के नारे लगते हैं तो थर थर कांपते हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं साहब, हम लोगों को तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, बात शरण की नहीं है, बात एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की है। जो साथ चलने की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। शुक्रिया। ठीक है आसिम वकार जी। कुमार हरवंश जी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरवंश जी बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हरवंश जी, जिस तरीके से जयप्रकाश ने एक बड़ा बयान दिया कि क्षत्रिय समाज भी अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो बौद्ध का रूप मायावती की शरण में आ जाए, अरे उनको ये मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं है कि बौद्ध कौन थे, बौद्ध थे क्षत्रिय थे। बहुत बढ़िया। भगवान गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्होंने ऐसा धर्म बनाया जिसमें सबको बराबर कर दिया। और जो हमारा हम लोग जो वेद पुराण पढ़ते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि सब हम एक ईश्वर के बच्चे हैं। पूरा पहले पहले महाराजा मनु और शत्रुपा जी आए, ब्रह्मा जी ने उनको पैदा किया, उन्होंने संसार को बसाया। तो क्या हरवंश जी, जयप्रकाश जिस तरीके से कह रहे हैं कि अस्तित्व खतरे में है, क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ आज तक? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई छोटा आदमी कभी कभी बहुत बड़ा बयान, फालतू बयान दे के लाइट में आना चाहता है, वही उसकी बात आदत होगी मेरे ख्याल से। और मैंने सुना है कि उसको बहन जी ने निकाल भी दिया है। अच्छा, बहन जी के साथ निकाल दिया अमरनाथ जी ने? बहन जी ने ब्राह्मण को सम्मान दिया है, बहन जी ने क्षत्रिय को सम्मान दिया है, सतीश मिश्रा जी वहाँ बहुत बड़े पद पर है, वहाँ करण ठाकुर MLA है, MP है, सारी बात है। तो उसमें जाति पाति कहाँ बात आ गई? किसी पार्टी में एक जाति से कोई पार्टी चलती है क्या? पार्टी में किसी भी पार्टी में हर किस्म के लोग। चक्रपाणि जी, मेरा अहम सवाल ये कि जातियों के नाम पर इस तरीके के बयानबाजी करना
क्या नहीं लगता कि एक माहौल खराब करने की कोशिश है? क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं नहीं देखो, ये तो इतना अनपॉपुलर आदमी है, किसको कोई जानता ही नहीं, पता नहीं कैसे आपने उसका बयान उठा लिया। देखिए कोई जानता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं था कौन है सर। बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शायद आप भी समझते होंगे, एक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना एक मायने रखता है, और उसका ये बयान। लेकिन लेकिन बना दिया होगा किसी तरह से, वो लायक तो नहीं, उसके लायक तो नहीं है वो। चक्रपाणी जी देखिए देखिए अभी जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए उनको कोई जानता है नहीं। देखो कई बार छोटे लोग होते हैं जो छोटी सोच के होते हैं, अपनी को पब्लिसिटी में लाने के लिए इसी तरह के उल जुलूल बयान देते हैं जिसे किसी तरह से हम लाइव लाइट में आए और जिसका परिणाम अभी भुगत लिया उन्होंने। अब वो उनकी औकात कुछ नहीं, और राहुल गांधी पे टिप्पणी कर रहे हैं और उनकी औकात कुछ नहीं, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, जो जिन्ना को महिमा मंडित कर रहा है। देखिए बहुजन समाज पार्टी के होकर के जिसका नारा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, वो घृणा की बात करता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। बहन जी ने बहुत अच्छा किया, स्वागत योग्य उन्होंने कदम उठाया और एक बड़े उन्होंने एक मिसाल कायम किया कि तुरंत उसको ऐसे लोग को हटा के बाहर किया। चक्रपाणी जी मेरे साथ बने रहिए। अमरनाथ जी आप मुझे ये बताइए कि ठीक है पार्टी स्तर पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जातियों के नाम पर एक भय फैलाना कि राम के नाम से मुस्लिम डर रहे हैं, क्षत्रिय मायावती की शरण में आ जाए क्योंकि भगवान बुद्ध हैं, ब्राह्मण का अस्तित्व खतरे में है, ऐसे बयानबाजी करने वाले के खिलाफ क्या नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए। जो भगवान श्री राम है वो शांति का संदेश देते हैं और सबको साथ लेके चलते, पूरा राम का जीवन ही अगर आप पढ़े तो उन्होंने पशु पक्षी सबको उन्होंने साथ लेकर के वो आगे चले हैं, सबके लिए उन्होंने करुणा बरसाई है। इनको राम का राम के बारे में नहीं पता, ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में नहीं पता, क्षत्रियों के इतिहास के बारे में नहीं पता, और ये सिर्फ सत्ता लोलुपता और मायावती को खुश करने के लिए इन्होंने ब्राह्मण राम और क्षत्रियों का अपमान किया है। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुमार हरवंशी, अमरनाथ जी, चक्रपाणी जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपको।